गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं पमेला कपूर कैपमैक्स से। आज मैं आपको कैपमैक्स के इंटरैक्टिव पैनल्स के फीचर्स का ओवरव्यू दूंगी। आप जो मेरे पीछे पैनल देख रहे हैं, ये 75 इंचेस का पैनल है। इसमें आपको 4GB रैम एंड 32GB स्टोरेज मिलता है। इसमें आपको और बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला फीचर है हमारा वाइट बोर्ड, जिसको हम नोट बोलते हैं। सबसे पहले हम नोट सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। इसके नोट सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। सबसे पहले आप मेन्यू बार पर जाएंगे। मेन्यू बार पे जाके आप थीम पर जाएंगे। थीम में आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं। जिस टाइप के टेम्पलेट्स आप यूज़ करना चाहते हैं, आप उस टाइप के टेम्पलेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड कलर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा पेन टूल। पेन टूल में आप फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से पेन का आप लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी थिकनेस को भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा इरेजर टूल। इरेजर में आप पेन का यूज़ करके भी इरेज कर सकते हैं, देन आप पाम से भी इरेज कर सकते हैं। इसमें एक और टूल है हमारा क्लीन आउट टूल, जिसमें आप एक ही क्लिक पर पूरी स्क्रीन को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा रूलर। रूलर में आपको बहुत तरह के डिफरेंट रूलर्स आपको मिलते हैं, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं और उनके साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा शेप टूल। शेप टूल में आपको दो तरह की शेप्स मिलती हैं, 2D एंड 3D। 2D शेप्स में आपको अलग अलग तरह की 2D शेप्स मिलती हैं। इसमें आपको एक फ्री हैंड ड्राइंग टूल मिलता है, जिसका आप यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे, वो परफेक्ट पोजिशन पे आ जाएगा। और डिफरेंट टाइप की हमें 3D शेप्स भी इसमें मिलती हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा टेबल। आप अपने अकॉर्डिंग टेबल का साइज एडजस्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। आप कुछ भी इसमें वर्क करेंगे, वो अपने आप ऑटो एडजस्टेबल हो जाएगा। अपने आप ऑटो एडजस्टेबल टेबल है ये। नेक्स्ट है हमारा माइंड मैप। माइंड मैप में आप अपने अकॉर्डिंग बॉक्सेस को ऐड ऑन कर सकते हैं। बॉक्स के आगे बॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग माइंड मैप का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है नोट। अगर आप कुछ भी नोट लिखना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे टाइप करके साइड में आपके वो प्लेस हो जाएगा। और इसको हटाना चाहते हैं तो आप क्लीन टूल का यूज कर सकते हैं। इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर्स है कि जब आप भी स्टूडेंट्स को आप अपने पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आपकी स्क्रीन पूरी फिल हो जाती है, तो आप इस टूल का यूज करके, इस टूल पे आप जाएंगे मूव टूल पे, आप अनलिमिटेड स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। आप अपने वर्क को ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, या इसको छोटा करके आप साइड में प्लेस करके आप आगे का वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो भी आपने वर्क करा है उसको सेव करने के लिए आप मेन्यू पर जाकर, एक्सपोर्ट पर जाकर अपने वर्क को आप PDF या इमेज फॉर्म में सेव कर सकते हैं। अगर आपने मेल आईडी अपनी पैनल से कनेक्ट कर रखी है तो आप अपने वर्क को मेल भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक और टूल मिलता है, ऑटो राइट टूल। आप कोई भी वर्ड आप इस पे लिखेंगे, आप सेलेक्ट टूल पर जाकर इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्मार्ट राइटिंग टूल पर आप क्लिक करेंगे तो एज ए कंप्यूटर राइटिंग में ये आ जाएगा। और आप यहां से इसको सर्च टूल पर क्लिक करके आप इसको गूगल पर भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं।
ये देखिए, इसमें आप पेज को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके पेजेस को ऐड कर सकते हैं, और पेज पे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी आपने पेज ऐड करे हैं वो एक साथ ही आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इसका नेक्स्ट फीचर है 4 एक्टिव स्क्रीन। आप एक साथ 4 एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे हम मेन्यू पर जाएंगे, मेन्यू पर जाके मैंने एक नोट एप्लीकेशन ओपन कर ली है, और उसके इस टूल पर, इस ऑप्शन पे हम जाकर क्लिक करेंगे तो हमने जिस साइड भी नोट एप्लीकेशन को एडजस्ट करना है हम ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आप, अब मैंने नेक्स्ट खोला है फाइंडर। फाइंडर पे भी सेम हम करेंगे, और हम यहाँ पे मेरा फाइंडर एडजस्ट हो गया। अब मैंने ब्राउज़र ओपन करा है, ब्राउज़र पे भी सेम आपका है। ये देखिए, एक साथ मैंने 3 एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और मैं इन पे एक साथ ही वर्क कर सकती हूँ। इसका नेक्स्ट फीचर है PIP। PIP के हेल्प से आप एक साथ एंड्रॉइड एंड PC दोनों पर वर्क कर सकते हैं। मेन्यू बार पर जाकर ऑल ऐप में जाकर आप PIP को ओपन करेंगे। अगर आपके पैनल में OPS है तो आप डायरेक्टली यहाँ से अपने PC को ओपन कर सकते हैं, या आपने अपने PC को HDMI के थ्रू पैनल से कनेक्ट करा है तो भी आप यहाँ पर HDMI पर जाकर अपने PC को ओपन कर सकते हैं। और ये हाफ स्क्रीन पे मैंने PC ओपन कर लिया है, देन हाफ पे मैंने एंड्रॉइड का नोट ऐप ओपन करा है। ये देखिए, अब मैं एक साथ एंड्रॉइड एंड PC दोनों पर वर्क कर सकती हूँ। ये एक एक्टिव PC है, आप देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट फीचर है बाइटेलो शेयर। बाइटेलो शेयर ऐप की हेल्प से आप अपने विंडो, एंड्रॉइड एंड एप्पल डिवाइस को अपने पैनल से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर बाइटेलो शेयर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप बाइटेलो शेयर ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी, देन आप उसको ओपन करेंगे तो वो आपको एक कोड एंटर करने को बोलेगा, जो आपको अपने पैनल के ऊपर ही डिस्प्ले हो रहा है। इस कोड को आप अपने मोबाइल पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपका मोबाइल पैनल से कनेक्ट हो जाएगा, बाइटेलो शेयर ऐप कनेक्ट हो जाएगी। इसकी हेल्प से ही आप अपने मोबाइल को पैनल पर मिरर कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक सिक्योरिटी कोड आएगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपका मोबाइल पैनल से मिरर हो जाएगा। स्टॉप बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट टूल है इसमें मीडिया। अगर आप कोई वीडियो पैनल से पे दिखाना चाहते हैं, आप मीडिया पे जाएंगे और उस मिरर वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वो वीडियो आपकी इस पे आ जाएगी। आप अपने मोबाइल के हेल्प से ही उसकी वॉइस को बढ़ा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। स्टॉप क्लिक करते ही आप बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट टूल है इसमें इमेज। अगर आप कोई इमेज पैनल पे दिखाना चाहते हैं तो आप इमेज पे क्लिक करेंगे और जो भी आप इमेज अपनी दिखाना चाहते हैं उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये देखिए, डायरेक्टली वो इमेज यहाँ पे ओपन हो जाएगी और आप अपने मोबाइल से ही उसको साइज बड़ा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। अगर इसी तरह से आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल अपनी दिखाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में जाकर और उस फाइल को ओपन करेंगे, देन आपकी वो फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। बैक करके आप डायरेक्टली उससे, ऊपर से क्रॉस करके आप उससे बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैमरा। कैमरे से अगर आप कुछ भी बच्चों को शो करना चाहते हैं, कोई भी मॉडल या कुछ भी, तो आप कैमरे पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कुछ भी शो करना चाहेंगे तो आप अपने मोबाइल के कैमरे से ही पैनल पर बच्चों को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है रिमोट। रिमोट टूल को जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, इसमें
क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल है आपका एक माउस बन जाता है। आप इसी की हेल्प से किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने मोबाइल से ही यूज करा है। ओके, बैक करके आप बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा डेस्कटॉप सिंक। इसमें आप अपने जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे जो आपका पैनल है वो आपके मोबाइल पर ही ओपन हो जाएगा और आप पैनल पर कुछ भी वर्क करेंगे वो आपके स्टूडेंट को, ये देखिए आप कुछ भी वर्क करेंगे वो आपके स्टूडेंट को आप उनके मोबाइल्स पर ही शो होगा। इसका नेक्स्ट टूल है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल की हेल्प से आप किसी भी इमेज या वीडियो को डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड पर ओपन कर उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेन्यू बार पर जाकर ब्राउज़र मैंने यहाँ पर ओपन करा है। अब मैं क्रॉप टूल पर क्लिक करूँगी। आप किसी भी इमेज को अपने अकॉर्डिंग जिस भी साइज़ में आपने क्रॉप करना है उस साइज़ में आप क्रॉप कर इंसर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपकी डायरेक्टली वाइट बोर्ड पर ओपन हो जाएगी और आप उसको अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं और उसके बारे में बच्चों को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड और कैमरे से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।